अभी सब्सक्राइब करें ऑनलाइन कॉन्सेप्ट को रेगुलर अपडेट के लिए। हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन कॉन्सेप्ट। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी का पूरा एग्जाम पैटर्न पे बात करेंगे। इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, पूरा समझिएगा, क्योंकि एग्जाम देने से पहले आपको पता होना चाहिए कि कितने नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, क्या क्या पूछा जाने वाला है, सभी कुछ आपको पूरा डाटा आपको मिलने वाला है इस पूरे वीडियो में। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आगे बढ़ने से पहले बता दूं, अगर आप अभी तक अनअकैडमी का लर्निंग ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो जल्दी से जल्दी आप लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से डायरेक्टली डाउनलोड कर लीजिए और आप हमें वहाँ पे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं बहुत ही नया नया कोर्स वहाँ पे ला रहा हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप चेक कर सकते हैं, डायरेक्टली लिंक पर क्लिक कर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या एग्जाम होने वाला है, पूरा प्रोसेस जो सिलेक्शन का होता है वो पता होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले आपका CBT 1 होने वाला एग्जाम, उसके बाद अगर आप क्वालिफाई कर पाते हैं तो आप CBT 2 में जाइएगा, वो भी एग्जाम अगर क्वालिफाई करते हैं तो उसके बाद टाइपिंग टेस्ट होगा और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेप्स है, सभी स्टेप अगर फॉलो कर लेते हैं तो आपको जॉब लग जाएगा। जो भी आप प्रेफरेंस में डाले होंगे फॉर्म भरने से टाइम कि कौन सा हमको प्रेफरेंस में पहला पोस्ट कौन सा चाहिए दूसरा ऐसे, उसके अकॉर्डिंग आपका जॉब लग जाएगा। देख लेते हैं सबसे पहले CBT 1 में पूछा क्या जाने वाला है। तो CBT 1 का एग्जाम होगा जिसमें आपको 90 मिनट पूरा सॉल्व करने के लिए मिलेगा। 90 मिनट का मतलब 1 घंटा 30 मिनट आपको मिलने वाला है पूरा पेपर को सॉल्व करने के लिए। और पेपर के अंदर आपका जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। जनरल अवेयरनेस का बात किया जाए तो जनरल अवेयरनेस के अंदर आपका करंट अफेयर होता है, साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन, स्टैटिक जीके से रिलेटेड क्वेश्चन, सभी चीज आते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन होगा आपका जनरल अवेयरनेस। उसके बाद आपका मैथ से रिलेटेड पूछा जाएगा, जिसके अंदर अर्थमेटिक और एडवांस दोनों सेक्शन से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा मिक्स करके, मेनली ये इजी होता है। उसके बाद रीजनिंग पूछा जाएगा, ये भी इजी ही होता है और रीजनिंग से आपका 30 क्वेश्चन पूछने वाला है। और टोटल क्वेश्चन का बात किया जाए तो 100 क्वेश्चन पूछने वाला है, जिसका हर एक क्वेश्चन के लिए आपको एक एक मार्क्स दिया जाएगा। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। और अगर आप PWD कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं तो आपको 120 मिनट मिलने वाला है, तो लगभग आपका आधा घंटा इसमें और ऐड कर सकते हैं अगर आप PWD कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं। बात किया जाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, काफी स्टूडेंट पूछते हैं कि नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं, तो जान लीजिए नेगेटिव मार्किंग इसमें है कितना, तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग के अनुसार से आपको इसे काट दिया जाएगा। तो जितने भी आरआरबी में एग्जाम होते हैं सभी में 1/3 ही होता है, तो आप अंदाजा लगा सके होंगे। अभी तक आप ग्रुप डी का एग्जाम दे चुके होंगे, ALP का एग्जाम दे चुके होंगे, तो आपको पता ही होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट स्टेप होगा, अगर आप CBT 1 को क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप CBT 2 का एग्जाम दे पाइएगा। CBT 2 के अंदर देखते हैं हम लोग, सबसे पहले पूरा पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको 90 मिनट मिलेगा और PWD कैंडिडेट हैं तो सेम एज 120 मिनट आपको मिलने वाला है। उसके अंदर क्वेश्चन के अंदर आपके पास GA से रिलेटेड, जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड आपको 50 क्वेश्चन मिलेगा सॉल्व करने के लिए। मैथ्स में आपको जिसके अंदर अर्थमेटिक और एडवांस दोनों मिक्स रहेगा, जिसमें आपको 35 क्वेश्चन और रीजनिंग में आपको 35 क्वेश्चन मिलेगा। मतलब पूरा टोटल का बात किया जाए तो 120 क्वेश्चन आपको मिलेगा, हर एक क्वेश्चन के लिए आपको एक एक मार्क्स अलॉट किया जाएगा। सेम रहेगा जो आपका नेगेटिव मार्किंग की बात किया जाए तो 1/3 ही रहेगा जो डिडक्ट होगा आपका रॉन्ग आंसर के लिए, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हम लोग, नेक्स्ट स्टेप है आपका टाइपिंग स्किल, जो कि अलग अलग पोस्ट के लिए होगा। कौन कौन सा पोस्ट के लिए देख लेते हैं। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए अगर आप फॉर्म अप्लाई किए होंगे उसके लिए टाइपिंग का एग्जाम बहुत ही जरूरी है, आपको देना होगा। उसके बाद याद रखिए CBT 2 क्वालिफाई करते हैं आप तभी आप टाइपिंग टेस्ट के लिए आप जा पाइएगा। उसके बाद आपका सीनियर टाइम कीपर के लिए भी कुछ कुछ टाइपिंग है, अलग अलग पोस्ट के लिए आपका टाइपिंग है, जैसे हम लोग TST के नाम से जानते हैं, जो कि क्वालिफाइंग नेचर है, सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। और इसमें कितना चाहिए, 30 वर्ड पर मिनट, मतलब 1 मिनट में आपका 30 वर्ड टाइप हो जाना चाहिए। याद रखिए इंग्लिश में का बात किया जा रहा है 30 वर्ड, हिंदी से अगर आप टाइपिंग करते हैं, अगर फॉर्म में आप हिंदी सेलेक्ट किए होंगे तो 25 वर्ड आपको होना चाहिए 1 मिनट में। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हम लोग, नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो कि काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है और अंतिम सेक्शन है आपको जॉब लेने से पहले। इसमें बात किया जाए तो CBT 2 के अनुसार, CBT 2 से अगर क्वालिफाई कर पाते हैं, Stage 2 का जो एग्जाम होगा उसके बेसिस से देखा जाएगा। अगर क्वालिफाई कर पाते हैं तो उसमें से लगभग जितना भी आपका पोस्ट आया है, लगभग 12th के अनुसार या ग्रेजुएशन के अनुसार जितना भी पोस्ट है उसके अनुसार ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको बुलाया जाएगा। मतलब अगर मान लिया जाए कि 1000 स्टूडेंट के लिए वैकेंसी आया था, मतलब
1000 वैकेंसी आया है तो बुलाया भी जाएगा 1000 से, आपको उससे 50% अधिक बुलाया जाएगा। देख सकते हैं नंबर ऑफ वैकेंसी विल बी कॉल डॉक्यूमेंट वेकेशन, मतलब अगर आप 1000 स्टूडेंट का वैकेंसी आया है तो आपने इसमें से 500 स्टूडेंट को और बुलाया जाएगा, मतलब 1500 स्टूडेंट में से अंतिम में बुलाया जाएगा और उसके बाद होगा। ये मैं एग्जाम्पल के तौर पर बताया हूँ। आई होप आपको सभी जानकारी मिल चुका होगा। कोई भी जानकारी छूटा तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, वो खोल चुका है, आप वहाँ पे कुछ भी पूछ सकते हैं। कोई भी एग्जाम से रिलेटेड, कोई भी एनटीपीसी का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, पूछ सकते हैं नीचे, मैं जल्द से जल्द उसका आंसर देने का कोशिश करूंगा। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।